हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू लच्छा पकौड़ा। सबसे पहले आलू को घिस लेंगे। इन्हें हल्का मोटा और थोड़ा लंबा लंबा घिसिएगा, जिससे जो पकौड़े हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। घिसने के बाद आलूओं को दो बार पानी से अच्छे से धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च कम हो जाए। आलू को बारीक नहीं घिसिएगा, उसके पकौड़े अच्छे नहीं बनते। वॉश करने के बाद आलू का पानी निचोड़ लेंगे और निचोड़ कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। पानी निचोड़ लेंगे तो इसमें कम बेसन डालेंगे और पकौड़े का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब इसमें एक लंबाई में कटा हुआ प्याज डाल देंगे, या बिल्कुल ऑप्शनल है। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल देंगे। दो चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, जिससे इसमें कितना मॉइस्चर है वो पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, अब इसमें आधा कप बेसन ऐड करेंगे, एक चौथाई कप चावल का आटा। इससे जो हमारे पकौड़े हैं वो काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहें तो इकट्ठा बेसन डालने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके भी ऐड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बेसन मत डालिएगा, वरना पकौड़े में बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। ये देखिए, मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और बाइंडिंग अच्छी हो रही है। अब इसे पकौड़े बना लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें एक एक करके थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितने पकौड़े हैं उतने डाल दें। अब इन पकौड़ों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इन्हें बीच बीच में चलाते रहिएगा। ये देखिए, पकौड़े का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, यह अच्छे से पक गए हैं। इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी पकौड़े भी बना लेंगे। यह पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बच्चों और बड़ों हर किसी को यह बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।